ग्वालियर प्रखंड के प्रखंड परिसर में प्रखंड स्तरीय विकास मेला सह जनता दरबार का आयोजन किया गया। ग्वालियर प्रखंड के प्रखंड परिसर में प्रखंड स्तरीय विकास मेला सह जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मेले में सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर जनताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। निरीक्षण में आए जिला उपायुक्त महोदय जिशान कमर द्वारा प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महोदय के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी ग्वालियर श्री धीरज प्रकाश के द्वारा प्रखंड के अंतर्गत चलाए जा रही योजनाओं की जानकारी ली गई। साथ ही साथ महोदय के द्वारा कार्यालय के आवंटन एवं खर्च ब्यौरा, 15वें वित्त आयोग, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग की जानकारी संबंधित पदाधिकारियों से ली गई। भाई बहन माता यहाँ पर उपस्थित है। पहले तो मैं निवेदन करूंगा, बूढ़ी माता है, खड़ी है, आप बैठ जाइए, वहीं पर आराम से बैठ जाइए। मैं सभी लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री किसान पीएम किसान के अंतर्गत आप लोग निश्चित रूप से अपना केवाईसी, जो आपकी जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी है, उसके अंदर अपना अपना ई केवाईसी करा लें, ताकि आगामी किस्त जो है वो आपको बिना गतिरोध के, बिना रुके हुए मिलते रहे। 31 अगस्त इसका लास्ट डेट तय किया गया है सरकार के द्वारा। आप लोगों से फिर मेरी गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप लोग अपना अपना, जो ग्रामीण भाई है, किसान भाई है, वो अपना अपना केवाईसी अपडेट करा लें, ताकि आप लोगों को निरंतर लाभ मिलता रहे। दूसरा है, उसी क्रम में आपके यहाँ पर पूरे जिले में सुखाड़ की स्थिति है। अभी सरकार के द्वारा इस पर आगामी कदम लिया जाएगा, मगर सरकार ने ये सोचते हुए आप लोगों के लिए झारखंड स्टेट फसल राहत योजना, झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरुआत की है। इसके अंतर्गत आप लोगों को रजिस्टर करना है, उसमें अपना एप्लीकेशन देना है, ताकि आने वाले समय में यदि सरकार ने कुछ डिसाइड किया कि आपको राशि, उसमें सुखाड़ अगर घोषित होता है या जो भी प्रावधान है वो आपको दिया जाए, तो उसमें से आपको उसी प्रावधान के अनुसार दिया जाए।